I extend my heartiest good wishes to all of you and fellow Jain brothers all over the world on the auspicious birthday celebration of Lord Mahavir. I thank our Honorable President Shri Pranab Mukherjee for sparing some of his valuable time from his busy schedule to inaugurate this seminar. Thank you, sir. I congratulate Ainsa Bharati and Acharya Dr. Lokesh Muniji for organizing this seminar on solution of global challenges through Mahabir philosophy on the auspicious occasion of Bhagwan Mahabir's birth anniversary. I firmly believe that his teachings are relevant even today to address many current global problems. Bhagwan Mahavir was the 24th Tirthankar of Jains who was born with riches but adopted renunciation to attain bliss and show the world the path of Ahimsa, Anekanta and Apar Aparigraha to eliminate pain caused by personal, interpersonal, societal, and global problems bhagwan mahavir showed the path of attaining bliss by following the path of right faith right knowledge and right conduct he used ahimsa and self effort to resolve burning problems like women slavery bringing social equality by opening his creed to all and elimination of animal sacrifice for religious purposes. Mahatma Gandhi used all these principles in his life to address the burning issue of untouchability, self reliance, and poverty, etc. Mahabir aptly said that no one is either downtrodden are blessed by birth man is known not by his birth but by his actions ladies and gentlemen i firmly believe that bhagwan mahavir's teachings are relevant even today to address many current global problems we have to find solutions to our problems keeping the three as ahimsa anekant and aparigraha of Mahabir as our guiding principles. I again extend my best wishes to all Jain brothers and sisters globally on this auspicious day and invite them to come forward and help their community, their country, find solutions to the problems. Thank you. Jai Hind. कि भगवान महावीर जयंती के पावन उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रपति जी वैश्विक समस्याओं का महावीर दर्शन में समाधान विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन कर राष्ट्रीय गरिमा के प्रतीक राष्ट्रपति भवन में करने जा रहे हैं मेरी समझ में यह गौरव इसलिए प्राप्त हुआ कि भगवान महावीर के अहिंसा शांति और सद्भावना के दर्शन की तत्कालीन समय में जितनी आवश्यकता थी उससे भी अधिक आवश्यकता वर्तमान समय में है बंधुओं और बहनों भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया 12 वर्ष तक उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाते हुए ध्यान और तपस्या के माध्यम से जिस सत्य का साक्षात्कार किया मैं समझता हूं विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान उनके दर्शन में मौजूद है आज हिंसा और आतंकवाद से केवल भारत नहीं समूचा विश्व प्रभावित हैं बोस्टन से लेकर के बंबई तक तमाम घटनाओं को अगर हम देखें किंतु मैं माननीय राष्ट्रपति जी का ईशोर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महावीर ने जिस सच्चाई को जड़ में जाकर के जो खोजा था वे कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा के बीज हमारी मस्तिष्क में मौजूद हैं। यूनेस्को के संविधान ने भी इस बात को स्वीकार किया युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है महामहिम राष्ट्रपति जी वर्तमान का हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्पियर को जगा रहा है जो बुद्धि गणित तर्क के लिए उत्तरदायी है किंतु हमारा राइट हेमस्फियर जो इंट्यूशन पावर के लिए जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वे बिल्कुल सोया पड़ा है अगर इस दिशा के अंदर जैसे आज आपने जैन समाज को प्रोत्साहित किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से पीस एजुकेशन के कार्यक्रम को यही बात मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब मेरी भेंट हुई मैंने उठाई यूनेस्को में मैंने इस बात को प्रस्तुत किया मैं आज कह रहा हूं इस समय जो महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं हम अलग अलग घटनाओं को जो टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं उसकी जड़ है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है जो पांश्विक वृत्तियों के उद्गम का स्थान है तब तब ऐसी घटनाएं घटती हैं सजा भय पैदा कर सकता है किंतु उसे जड़ से उखाड़ना है तो हमें पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा शिक्षा प्रणाली में जिससे कि अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो मेरे सामने जैन समाज मौजूद हैं जैनियों का सबसे बड़ा आकर्षण है मोक्ष का निर्वाण का किंतु महावीर एक बात कह गए असंविभागी चेतना में विश्वास नहीं है जो बांट के खाना नहीं जानता है अगर भाई भूखा सोया है और तुम बरपेट खाते हो महावीर कहते हैं इस दरवाजे की तरह मोक्ष के दरवाजे भी बंद हैं बंधुओं और बहनों अगर उनके इस दर्शन को आत्मसात किया जाए मैं समझता हूं जिस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी मुझे एक मेरे सामने प्रश्न आया लोगों ने कहा यह बड़ा सुंदर चयन हुआ मैंने कहा दो तरह के लोग होते हैं एक अनेकांत को मानने वाले एक अनेकांत को जीने वाले हमने देखा इस देश के अंदर संसद में जब जब संकट आता था राजनीतिक पार्टियों के बीच में जब जब विवाद होता था माननीय राष्ट्रपति जी जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है संकट मोचक का अनेकांत के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ डालते थे मैं समझता हूं महावीर जयंती के उद्घाटन के लिए इससे अधिक कोई उपयुक्त व्यक्तित्व नहीं हो सकता माननीय राष्ट्रपति जी आपने आज जो जैन समाज का गौरव बढ़ाया ये केवल जैन समाज का नहीं समूचे आध्यात्मिक जगत का है मैं इस अवसर पर आपसे यह अवश्य कहना चाहूंगा आपके सामने जो ये समाज है अहिंसा और शांति प्रिय सम है इस समाज के किसी कार्यक्रम के लिए पुलिस की भी आवश्यकता नहीं होती है ये वो समाज है जो टैक्स चुकाने में आगे है ये वो समाज है जो जब कभी देश के अंदर अकाल बाढ़ तूफान सुनामी भूकंप अवसर आ जाए उस सेवा के अंदर अग्रगण्य रहता है महामहिम राष्ट्रपति जी आपने गलत काम करने वालों को सजा देने में देरी नहीं की मुझे ये भी आशा है कि सही काम करने वालों को आप प्रोत्साहित भी करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम